1962 चाइना वॉर के हीरो शहीद जसवंत सिंह रावत, उनके गांव हम आए हुए थे यहां पे। और यहां पे आज उम्मीद थी कि जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पे पहुंचेंगे, लेकिन वो यहां पे नहीं आए। और अब हम जो यहां पे दुनाव में यहां पे भोलेनाथ का मंदिर है उसके पास आए हैं, और उसके पास ही यहां पर जो लघु जल विद्युत परियोजना है UJVN की, दुनाऊ जल विद्युत परियोजना जो है, वहां पर पहुंचे हैं। और ये जो जल विद्युत परियोजना है, ये जो उनका गांव है बाड़ियों शहीद जसवंत सिंह रावत का, उनके गांव के ठीक नीचे है। और गांव वालों का सबसे बड़ा ऐतराज ये है कि आखिरकार ये जल विद्युत परियोजना शहीद जसवंत सिंह रावत के नाम पर क्यों नहीं है। आप देख सकते हैं कि पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है इसमें लिखा हुआ है राम प्रसाद नौटियाल लघु जल विद्युत परियोजना, और जो मैंने जानकारी हासिल की है उसके अनुसार ये जो नौटियाल जी हैं वो कोई पॉलिटिशियन थे, ये शहीद हरगिज नहीं थे। तो एक शहीद का दर्जा हमेशा पॉलिटिशियन से ऊपर होगा, ये आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको अभी ऊपर के भी कुछ विजुअल दिखाऊंगा, जिसमें जहां पर शहीद के नाम पर एक स्मारक बनना है वो पत्थर स्थापित किया गया है, वहां पर अभी तक मूर्ति नहीं लग पाई है, और उसके सामने एक ब्यूटी पार्लर बना हुआ है। जय हो, जय हो। आत्मा बाबा जसवंत की आत्मा दी देवता रूप मां देवी रूप मां आनंद वो तो आपके चना जो मेरे वीर चक्र विजेता की इच्छा होगी वो सब पूरा होगा। उनको सब पता है, उनकी जन्मभूमि है, उनकी मातृभूमि है, उनके पितरों की भूमि है, उनके माता बहनों की भूमि है, भाई बहनों की है, नाती पोतों की है, बाकी उनको सब ज्ञान है, मैंने क्या बोलना है। ये इलाका में रोजगार की बड़ी समस्या थी, सबसे पहले रोजगार, पानी, विद्यालय, इस क्षेत्र का पूरा विकास होना चाहिए, किसी नगरी का उत्थान होना चाहिए, इसीलिए मेरा जसवंत वीर चक्र विजेता इस भूमि में आया है, अपने पितरों की भूमि में आया है, ये भक्त जन के मन में बैठे हैं तब वो यहाँ आए हैं। ये तौल जो दुनौमा प्रोजेक्ट लगी हुई ये प्रोजेक्ट नौ भी नौ पर नीचे तो आपने अच्छी लग दू। मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को उसी दिन अच्छा नहीं लगा, बोलते हो तो मेरे को तो उसी दिन महादेव में अच्छा नहीं लगा, जब मेरे भी महावीर वीर चक्र विजेता का नाम नहीं आया मेरे को तो उसी टाइम अच्छा नहीं लगा, पर मैंने अपनी शक्ति को रोक दिया, मेरे को तो उसी टाइम अच्छा नहीं लगा। आज मुख्यमंत्री भी नहीं आना छन, जब क्यूँ थे आन चैन चुत नहीं आनी चाहिए, वो उसी ने मेरे वीर चक्र का नाम वहाँ लिखा, वहाँ भी ये नारी का मैं क्या है, ये भी गोरला संतान की औलाद है, वो भी गोरला संतान का औलाद है, जो आज ये दिवस मना रहे हो तुम लोग, और ये भी नारी भी गोरला संतान से पैदा हो रखी है, इसीलिए मैंने इस पे छाया भी रखी है और भाव भी रखा, जगदम्बा के रूप में भी खड़ी है।
तो वैसे ही उसी जगह से निकलेंगे, बस आप वहाँ पहुँचो, यानी करो मैं लेके आऊँ सर। हम तो ये चाहते हैं सरकार से कि यहाँ पे एक टेबल की मूर्ति बननी चाहिए, और उसके जो आगे आगे पीछे कोई ऐसी दुकान या ऐसा वो मांग भी बनना चाहिए जिससे उनके मान में सम्मान में अपमान कर रहे। हम चाहते हैं उनका बड़ा से बड़ा मान और मूर्ति बने, हर इस गाँव के लिए तो कुछ क्या उनके लिए कुछ नहीं, फील्ड का भी विकास करें वो, जिससे बच्चों को आजकल रोजगार गेम्स में अच्छे गेम्स होंगे, अच्छे खेल कूद के लिए आगे वो उनको गेम्स दें, फुटबॉल है बास्केटबॉल है, ये को गेम का निर्माण करें जिससे बच्चे हमारे यहाँ के गाँव के आगे बढ़ सकें। उनके बच्चों की तो उम्मीदें बहुत अच्छी पर उनको निराश हो जाते हैं, जब उनको सुविधा या कुछ नहीं है गांव में। हर गांव का विकास है, हर एक वीर भूमि का जो है विकास है, यह हमारा सोच है। हम मुख्यमंत्री जी से अगर वो करना चाहते हैं तो मंत्री जी इस वीर भूमि का आपका सोचेंगे और सोचना आपको पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है वीर उसकी जन्म और उसकी वीर भूमि है, और इसमें वीर भूमि का जब आप निर्माण आप बताओ हर गाँव का निर्माण वाली कोई वीर भूमि का आपने निर्माण नहीं किया, बच्चे हैं स्कूल है स्कूल भी जो थे वो बंद कर दिए गए, बड़े हमें निराशा है कि यहाँ के स्कूल भी आप बंद कर दिए और यहाँ के बच्चों को देखिए पानी का भी यहाँ कोई सुविधा नहीं गाँव में, बच्चों को कितने दूर से पानी लाने, शिक्षा की भी यहाँ कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, बीडू खान उनको जाना पड़ता छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए उनको इस गाँव पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा। और जब दर्शक ही नहीं रहेंगे तो बच्चे कैसे अपना प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि दर्शक आने वाले बिल्कुल सम्मान बड़ी चीज होती है, उत्साह प्रदान के लिए दर्शक होना बहुत जरूरी है। अच्छा आज यहाँ पे ये था कि मुख्यमंत्री को न्योता था वो भी नहीं आए, तो निराशा है क्या आपको? धन्यवाद। तो बहुत वो लगा कि आज देश का महावीर चक्र विजेता हमारे देश के लिए इतना कर गए और उनके लिए भी खड़े हुए, बहुत निंदा की बात है। यहाँ पे देखा गया जो यहाँ पे मूर्ति लगी यहाँ पे आपने देखा है वो अपमान किया अपने भाई को, तो वहाँ पे मूर्ति तक भी नहीं है, क्षेत्र बजा जी ने भी बोला था किस तरह दान देखा करा देश करने की कृपा कीजिएगा, आप लोग खुद ही जानते हो सरकार की कमी। विधायक जी बड़ी निराशा है यहाँ पे लोगों की, मुख्यमंत्री नहीं आए आज, और आपने बात किया कि रक्षा मंत्री को आप आमंत्रित करेंगे अगली बार, क्या कहेंगे क्यों नहीं आए होंगे आज? मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम था नहीं, ना उनको आमंत्रित किया गया, इसलिए कोई बुरा मानने की बात ही नहीं। अच्छा जो हम पहले भी यहाँ न्यूज कवरेज के लिए आए थे, दो चीजें नोटिस में आई हमारे, एक तो जो उनके नाम पे जो पत्थर लगाया गया है वहाँ पे स्मारक के लिए,
उसमें उनकी मूर्ति नहीं है वहाँ पर। तो लोगों का ये है कि उसमें एक मूर्ति लग जाए, भव्य मूर्ति लग जाए, और सामने उसके एक दुकान खुली है ब्यूटी पार्लर की, तो वो चाह रहे हैं कि भाई जहाँ पे भी चाहे वहीं पे हो या कहीं और हो, खुली जगह में हो, मूर्ति लगे और वहाँ पे अतिक्रमण से मुक्त हो जाएगा, जिससे कि लोग वहाँ पे दर्शन कर सके उनके। तो क्या योजना है इसके बारे में? अभी तो समिति ने भी और ग्रामीण क्षेत्र ने भी कहा कि किसी और जगह उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी, और जब ये स्थान निश्चित हो जाएगा तो उसके बाद इसका प्रस्ताव लेके जो है हम लोग संस्कृति विभाग से इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आपका अभी दूसरा कार्यकाल है यहाँ पे, आपने भी प्रयास किए होंगे, लेकिन क्या बात है कि शहीद जसवंत सिंह जी के नाम पे कुछ ही नहीं हो पा रहा है इस इलाके में? दुनाव जल विद्युत परियोजना बनी, वो किसी और के नाम पे हो गई, सड़कों की स्थिति बिल्कुल ख़त्म है, आपने एक पत्थर लगाया उसमें कुछ नहीं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा पहली बात तो ये है कि आप बात गलत तरीके से बोल रहे हैं। यहाँ पर जिनका नाम पे दुनाव रखेगी वो भी स्वतंत्रता सेनानी है, और वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, वो बहुत बड़ी हस्ती थी, इसलिए उनके नाम पर क्या है, और जसवंत सिंह जी के नाम पर पॉलिटेक्निक का नाम रखा गया है, और बहुत जल्दी उसमें शासन दिवस होने वाला है। यहाँ पर बाहर के लोग लग रहे हैं, लेकिन हमारे गांव का कोई भी बंदा बेरोजगार है किसी को नहीं लगा रहे। तीसरी बात यह है कि जो ये बोर्ड का चक्कर है, जसवंत सिंह जी का नाम उस टाइम बोला था, लेकिन उस टाइम उन्होंने हमारे को कहा था कि बीरूखाल में पॉलिटेक्निक जसवंत सिंह जी के नाम से हम बना रहे हैं, और यहाँ पर ये हमने लगा दिया, तो हमने कहा चलो, तो वहाँ पर बोर्ड नहीं लगा उनका अभी तक, क्योंकि जिस जहाँ पर वो हैं वहाँ के लोग इस चीज़ को ऐतराज़ करते, वो अपना किसी वहाँ आदमी को या किसी आदमी के उसको करेंगे। और उन्होंने घोषणा की थी और हमने उनके मांग पत्र दिया था, उन्होंने हमारे मांग पत्र में ये घोषणा अपने मुँह से घोषणा की थी कि यहाँ पे जो है जसवंत सिंह बाबा का जो है स्मारक बनेगा, और आज वो बोल रहे हैं कि मतलब जो है यहाँ पे भूमि उपलब्ध नहीं, हम भूमि देने के लिए तैयार है, हमने उनको बताया था जहाँ पे उनका वो स्थल जो बनाया है हम वहीं पर उनका स्मारक बनाना चाहते हैं, उसमें बाहर वाले उनको इतराज नहीं है। और दूसरा ये है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक आदर्श जसवंत सिंह के नाम से एक आदर्श विद्यालय खुले, हमारे दोनों विद्यालय बंद हो गए, उसके बारे में भी वो उन्होंने हमें सहमति नहीं दी, और हमारे लोग जो है ट्रस्ट के लोग जो है वहाँ पे देहरादून में जो है मतलब जो है मिले हैं, तो उन्होंने जो है और उनको शिक्षा मंत्री को वहाँ पे बुलाया गया है, तो उन्होंने बोला है कि नहीं वहाँ चुनाव में तो ऐसे गलत लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ पे विद्यालय नहीं खुल सकता। तो मेरा आपसे मीडिया से ये निवेदन है, और हम बार बार रहेंगे क्योंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हम बार बार मांग करते रहेंगे कि यहाँ पे जसवंत सिंह के नाम से खेल मैदान भी हो, स्मारक भी बने, और मतलब केंद्रीय विद्यालय भी बने। हमने जब यहाँ पर विधायक दिलीप रावत जी जो आपके हैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आमंत्रण ही नहीं था, तो सच्चाई क्या थी? जी नहीं, ये सरासर गलत है। मुख्यमंत्री साहब को बिल्कुल पत्र दिया गया था और उनको बोला भी गया था, इतने बड़े वीर योद्धा का हम शौर्य दिवस मना रहे हैं, और आपकी उपस्थिति हमारे लिए वहाँ पर एक विशेष महत्व रखती है। और जब इस बारे में व्यक्तिगत तौर पर हमारे जो कार्यकारिणी के सदस्य अविनाश पोखरियाल जी वहाँ पर देहरादून में है, वो दो तीन बार इस बारे में उनसे मिले, कई बार उन्होंने बोला कि भाई प्रोटोकॉल मुझे इसके लिए परमिशन नहीं देता, और मेरे पास समय की अगर होगी मेरे पास समय तो मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन वो नहीं आ पाए। लेकिन ये कहना गलत है कि हमने नहीं, बल्कि मैं तो तमाम उन अधिकारियों को और तमाम उन जनप्रतिनिधियों को मैंने पत्र देकर इस शौर्य दिवस पर आमंत्रित किया है, क्योंकि ये राजनीतिक स्तर पर इसमें कोई कार्यक्रम नहीं था, ये तो शौर्य दिवस है, और ये पूरी जनता का, पूरे क्षेत्र का, पूरे मैं समझता हूँ पूरे भारत का एक शौर्य दिवस है। आयोजन जो है हमारे ट्रस्ट द्वारा किया गया, और ट्रस्ट का ही ये दायित्व बनता है किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना। क्या उन विधायक साहब को पता था कि वो हमने किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया? हमने यहाँ पर अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब को बुलाया, सांसद तीरथ सिंह रावत जी को बुलाया, अब तीरथ सिंह रावत जी नहीं आ पाया उसके बारे में आपको सबको पता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया, अब माननीय मुख्यमंत्री क्यों नहीं आए ये इस चीज़ का है कि हमने उनकी दर्शन जो था सबको दिया, बल्कि बहुत बड़ी संस्कार की इस चीज़ का। अभी कुछ देर पहले आपको एक हमारे जो सूत्रधार थे हमारे, उन्होंने आपको ये चीज़ बताई थी यहाँ पे कि किस ढंग से उनको भी सम्मान देने में भी कितनी हमारे को भारत सरकार को उस टाइम में मुश्किलात आई थी, और चाइना आगे नहीं आता तो उस टाइम क्या होता कि वो महावीर का सम्मान भी नहीं मिलता और उनको उनके ऊपर पेनल्टी लगती और उनके ऊपर जाकर के सारा उनको जो उनकी मेहनत थी उसको बर्बाद कर दिया जाता। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जागरूक होना है, हमारे नेताओं को नहीं। नेता कभी जागरूक नहीं होता, नेता तब तक जागरूक होता जब तक उसको वोट नहीं मिलता, तो जीतता नहीं है वो, उसका हमें जागरूक होना है, जो काम हमने कराना है वो हम कराएंगे, और आप बहुत जल्दी देखिएगा
मैं इतना जल्दी टाइम तो दूंगा नहीं, आप लोगों के सहयोग से यहाँ पर स्मारक भी बनेगा और यहाँ पर जो भी जागरूकता, यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है, जबकि हम पानी के बीच में रह रहे हैं, समुद्र के बीच में रह के प्यासा तो हम समझ सकते हैं, और चारों तरफ नदी नदी और पानी पानी से बीच में प्यासा रह रहे हैं, ये बड़ी विडंबना है, इस चीज़ को दूर करेंगे। आप लोगों का यहाँ पर आप आए और आप लोगों ने इस चीज़ को देखा समझा और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बेवाकी ढंग से आपने इस बात को रखा, किसी बिना हिल उजत के किसी झिझक के, मैं आप लोगों का बहुत ही सम्मान करता हूँ इस चीज़ के लिए, और यही चीज़ यही पत्रकारिता हमारे यहाँ चलती रहे तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी यहाँ पे नेता, कोई भी हो, चाहे प्रधान लेवल से हो, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य लेकर के, कोई भी आदमी यहाँ पर काम करने के लिए मुकरेगा नहीं। उन्हें पता है कि पीछे से हमें पकड़ने वाले पत्रकार, हमें पकड़ने वाला जनप्रतिनिधि, हम जनता खड़ी हुई है और हमने जागरूकता फैला दी है। न्याय पंचायत चुनाव में एक सैनिक स्कूल और एक हॉस्पिटल सैनिक, और यहाँ दुनान न्याय पंचायत क्षेत्र के बच्चों को किसी भी फोर्स में छूट दी। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये मीडिया के द्वारा, आप लोगों के द्वारा, अगर सरकार तक पहुँच जाए तो आप लोगों का उद्देश्य यही है कि जिस महावीर को हम लोग इतनी इज्जत देते हैं, आज याद कर रहे हैं, उनकी स्मृति में एक शानदार बहुत ही बढ़िया स्मारक बने, और उसके लिए इस इलाके के लोग तो काम कर ही रहे हैं, साथ में जो डिफरेंट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी साथ मिलना चाहिए। सही जसवंत सिंह रावत का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि जहां अरुणाचल प्रदेश में उनके नाम पर एक मंदिर स्थापित है, लेकिन जहां उनका गांव है, उनका घर बाड़ियों है, वहां पर इस तरह से एक स्मारक के नाम पर एक पत्थर लगा दिया गया है, और यहां पे जो मूर्ति है वो स्थापित नहीं है, ये फोटो अभी रखी गई है यहां पे कार्यक्रम के लिए, और उसके बाद इसको यहां से हटा दिया जाएगा। लेकिन उससे बड़ी निराशा जो आप देखेंगे वो आप सामने देख सकते हैं, इस तरफ, इस स्मारक के ठीक सामने एक ब्यूटी पार्लर यहाँ पे खुला हुआ है, नैन्सी कॉस्मेटिक ब्यूटी पार्लर एंड लेडीज टेलर्स। आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से कहीं शहीद का सम्मान किया जा सकता है, और अगर यहाँ पर कोई दुकान भी खोली गई है तो आखिरकार ये स्मारक यहाँ पे क्यों लगाया गया, शायद यही सारे सवाल है जो कि यहाँ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद यहाँ पे नहीं पहुंचे, और जब मैंने यहाँ के विधायक दिलीप रावत से इसके बारे में सवाल पूछे तो वो खुद मुझ पर बिफर उठे। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा शहीद जिसका भारत ही नहीं चीन ने भी सम्मान किया, और जब चीन ने बताया इस सैनिक ने हमारे 300 सैनिक मार डाले हैं, तब उसे महावीर चक्र मिला, और उसकी मौत के इतने साल बाद उत्तराखंड जबकि एक राज्य भी बन चुका है, फिर एक बार अलग अलग तरीके से उनका अपमान हो रहा है। जागो उत्तराखंड के लिए बीरोखाल पौड़ी गढ़वाल से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।